practices for rural water resource management. First, we welcome over 30 years of expertise. She is an associate professor in Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal. Her brilliance shines in environmental and urban planning, disaster management. For our chief guest, Shrikant Balesab Sursen, IAS Deputy Commissioner, District Kargil. इन चीजों के लिए परफेक्ट हो जाता है, हमें भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। आप जैसे गुड रिसोर्सेज पर्सन जो दिल्ली से आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री रवि रंजन गुरु जी जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल इसमें शर्का है इस एसोसिएशन का, और जो रिसोर्स पर्सन श्री मनोज कुमार जी को मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा डाउट रहता है तो इस पर काम करने की जरूरत है। तो मैं मुझे विश्वास है कि ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट इस पर काम करेगा और काउंसिल भी इसमें काफ़ी कंसर्निंग है कि जल जीवन स्कीम को कैसे हमें चलाना है, सस्टेन कराना। तो मैं ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बुलाया और कुछ पॉइंट्स रखने के लिए मुझे यहाँ पे मौका दिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ऑनरेबल सीसी साहब की तरफ से आप सब उनको सलाम पहुंचाना चाहूँगा। उनको आज चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पे तशरीफ लाना था लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से आज नहीं आ पाए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वर्स विद व्हाट जल जीवन मिशन इज। So, Jal Jeevan Mission started in 19 with the aim for piped water supply by 2024 for each household in the country. There are some basic data that are ये जो practical ये training session जो हमारे L2 L1 officers के लिए All India Institute of Self Government दिल्ली की तरफ से एक workshop चल रहा है दो दिन के लिए प्रिजर्वेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इसमें फ़ायदा इसलिए है कि क्योंकि हम लोग इस वक्त जल जीवन मिशन जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है, थ्रू आउट इंडिया सबसे चैलेंजिंग काम हुआ है तो और ऑल इंडिया में लद्दाख रीजन और स्पेशली करगिल में हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। तो सोर्स को सस्टेन करने के लिए हमें क्योंकि तीन चार साल से हमारे ये करगिल एरिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर में चेंज आने की वजह से हमारा बर्फ़बारी बहुत तीन चार साल से बहुत कम हुआ है और इस चीज़ की वजह से हमारे सोर्स में जो स्प्रिंग्स में हो या हमारे सोर्स में पानी की कमी बहुत हुआ है, डिप्लीटिंग बहुत हुआ है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि इन सोर्स को सस्टेन करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा। जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस और ऑल लद्दाख में स्पेशली इन करगिल में हुआ विंटर सीजन में, जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत कोशिश किया इन वाटर को कंटिन्यू रखने के लिए वाटर सप्लाई को, उसमें हमें बहुत हद तक कामयाबी भी हुआ लेकिन बहुत चैलेंजेस अभी भी हम फेस कर रहे हैं। तो इन्हीं विंटर सीजन में हम इन चैलेंजों को कैसे हम ओवरकम करें और किस तरह से हम सोर्स को सस्टेन करके हमारे
जल जीवन मिशन को सक्सेसफुल करें, इसी टॉपिक पर ये आज ये ट्रेनिंग हमारा वर्कशॉप 2 दिन के लिए चल रहा है। इसमें अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन दिल्ली से आए हुए हैं, तो हमारे इंजीनियर से भी आपस में हम लोग सब बैठ के इंट्रैक्शन करके डिस्कशंस करके इन चीज़ों में कामयाब करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।